कल एक हिंदू भाई की मौत हो गई थी कोरोना वायरस के डर की वजह से। जी हाँ, उनको कोरोना वायरस नहीं हुआ था। सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है कि उनके परिवार वालों ने उनको अर्थी देने से इनकार कर दिया था, तो बीच में मुसलमान भाइयों ने उनकी अर्थी को उठाया। ये उसी की एक वायरल वीडियो का क्लिप है। सोशल मीडिया पर यह स्क्रीनशॉट इस वक्त काफी वायरल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस न्यूज की वजह से दिल्ली में जो इस वक्त अफरा तफरी मची हुई है, असल वो फसाद की जड़ ये स्क्रीनशॉट है, क्योंकि पीएम मोदी के 21 दिन के लॉकडाउन बयान के बाद इंडियन मीडिया ने 90 दिनों की लॉकडाउन की न्यूज चलाई। इसी वजह से लोग इतने भगदड़ में बाहर निकले अपने घर जाने के लिए, जिसकी वजह से आज भारत को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी लोगों से माफी मांगते हुए दिखाई दिए और लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पीएम मोदी अपनी गलती की माफी भी मांग सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस वालों ने एक नया तरीका अपनाया है लोगों के माथे पर, मैं लॉकडाउन में बाहर निकला, मुझसे दूर रहो लिख करके लोगों को नया तरीका दिया है सजा देने का। जी हाँ, जो लोग भी लॉकडाउन के बीच घरों से बाहर निकल रहे हैं बिना किसी काम के, उनके माथों पर लिख दिया गया है कि मैं लॉकडाउन के बीच घर से बाहर निकला, मुझसे दूर रहो। बॉलीवुड की जानी मानी सिंगर और कोरोना वायरस से पहली पीड़ित बॉलीवुड की एक सिंगर कनिका कपूर को चौथी बार टेस्ट करने के बाद भी कोरोना वायरस पाया गया है। जी हाँ, ये समझना मुश्किल हो जा रहा है कि कनिका कपूर को कोरोना वायरस हुआ है या कोरोना वायरस को कनिका कपूर। जी हाँ, उनके परिवार वाले काफी चिंतित है इस बार कि चौथी बार भी उनको कोरोना वायरस पॉजिटिव आया है। हमारे सरदार भाइयों ने फिर से एक बार कर दिखाया है, इस कोरोना वायरस लॉकडाउन में फिर से वो बाहर निकल पड़े हैं अपने खाने लेकर के लोगों को बांटने के लिए। इससे पहले शाहीन बाग के लिए भी उन्होंने ये करके दिखाया था, और फिर से एक बार लॉकडाउन के वक्त भी अपना कमाल दिखा रहे हैं। जी हाँ, और भी कुछ ऐसे भाई लोग हैं जो इस लॉकडाउन में लोगों की काफी मदद कर रहे हैं, दिखाना चाहते हैं आपको एक छोटी सी क्लिप में। कल शाहीन बाग में एक बहुत बड़ी आग लग गई थी। खबर के बारे में बात करें तो बताया जा रहा है कि वहां एक फर्नीचर की दुकान थी जो बहुत ही बुरी तरीके से जल गई थी, लेकिन जल्द से जल्द पुलिस और फायर ब्रिगेड ने उस पे काबू पा लिया। खबरों के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।